बल्कि है, और ये N250 की तरह ही लगती है। अगर आप 41 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, एडजस्टेबल फुट पैक्स, बहुत अच्छी चीज़ है। बाइक की प्राइसिंग की बात करते हैं तो 1 लाख यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पीछे का पूरा पार्ट इनका कवर है। वेलकम बैक टू योर चैनल। आज अभी अपने सामने है बजाज की द ऑल न्यू N160 विथ ड्यूअल चैनल ABS, और ये पहली बाइक भी मैं बोल सकता हूँ जो कि बजाज ने ड्यूअल चैनल ABS में इस सेगमेंट में निकाला था। इसके पहले बजाज के पहले कोई भी बाइक 160 में ड्यूअल चैनल नहीं देती थी, सिंगल चैनल देती थी। इसका देन है कि अब सारी बाइक जो है ड्यूअल चैनल ABS देने लगी। तो आज हम इस बाइक का वॉकअराउंड आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये जो सामने से ना इतना बल्कि है, और ये N250 की तरह ही लगती है। अगर आप इसका ग्राफिक्स ना देखो, डिनोटेड नहीं देखो, तो आपको लगेगा कि ये N250 है, बट थोड़ा थोड़ा ग्राफिक्स में चेंज है, वो आपको पता चल जाएगा। फ्रंट में आते हो तो आपको यहीं पे हेड लाइट के ऊपर में ही नंबर प्लेट की हाउसिंग मिल जाएगी। हैलोजन में इंडिकेटर्स हैं, बट इसका ये जो है लाइट्स है वो प्रोजेक्टर में है, ठीक है, LED प्रोजेक्टर्स। उसके बाद इसके सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है। मड गार्ड देख लीजिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे मड गार्ड में आपको यहाँ पे ये मैट मिलेगा, इसी में ग्लॉस मिलेगा, और यहाँ पे इंसर्टिंग्स छोटे छोटे स्टिकर्स के जिस भी कलर में रहेगी, ताकि बाइक ABS ड्यूअल चैनल में आती है, ठीक है। अब इसका टायर्स की बात करें तो इसमें टायर आता है 100x80 सेक्शन का, 17 इंच के टायर्स की कंपनी जो है वो यहाँ पे ATT करके कुछ कंपनी है। नहीं नहीं एक सेकेंड, कंपनी यहाँ रही नाइलो यूरो ग्रिप, मतलब TVS के टायर्स है इसमें। हाँ TVS के इसमें टायर्स आते हैं, इसका TVS से इनका कुछ कोलेबरेशन है। और इधर से आ जाइए तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ, उधर तो ज़रा सा कुछ रखा हुआ है। E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है ये बाइक, और 41 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। बट एज अ राइडर आपके ऊपर है, आप कैसा चला रहे हो, आप हार्श राइड कर रहे हो, आप वेट रोड पे या जिस भी कंडीशन में आप राइड कर रहे हो उसके एग्जैक्टली आपको माइलेज जो है मिलेगा। यहाँ पे पल्सर 3D में लिखा हुआ ये देख लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे ये USB चार्जिंग पॉइंट, आप चला रहे हो तो रास्ते में बाइक चार्ज करने का कोई लोचा ना आए, टूरिंग पर्पस के लिए ये चीज़ ये बजाज डोमिनार से ही दी हुई थी। अब इधर आ जाइए, हैंडल बार बहुत ही स्लीक सा, 3-piece 2-piece में नहीं है, सिंगल पीस में ही हैंडल बार है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपको। राइट हैंड साइड में इंजन किल स्विच ऑन ऑफ, ये मीटर के ब्राइटनेस ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ, ये लीवर्स कोई एडजस्टेबल नहीं है बट ठीक ठाक है, ब्लैक कलर में है, सिल्वर के होते तो और अच्छे होते, बट अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न, और ये लाइट्स पासिंग के लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिजिटल आता है, अभी इसके कीज अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको ऑन करके दिखाता। और टैंक पैड, इसमें कुछ टैंक ग्रिप नहीं है, ड्यूअल सीट में आती है, दोनों के दोनों सीट के कुशनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब ये बाइक 164 cc पे अप्रूव्ड है, 14.68 BHP का पावर जनरेट करती है, और 15.65 Nm का टॉर्क जनरेट करती है ये, जो कि बहुत अच्छा खासा पावर दे देती है आप लोगों को। एक ह्यूज और बल्किनेस इंजन ये फील कराता है, और बजाज की ये अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि यहाँ पे ये इंजन ऑयल शो कर देता है, ठीक है, बाकी कंपनियों की तरह नहीं है। ये फेयरिंग इंजन गार्ड कह सकते हो, गार्ड का तो नहीं बट एक फेयरिंग थोड़ा सा लुक इन्हेंस कर देता है इस बाइक का। एडजस्टेबल फुट पैक्स, बहुत अच्छी चीज़ है, बाइक अगर आपकी गिरती पड़ती है तो ये बहुत हेल्प करता है। एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स भी आने लगे अब तो बाइक्स में, बट इसमें नहीं है, चलिए बजट फ्रेंडली भी रखना है। उसके बाद से ये पीछे वाले डिस्क का डिस्क ऑयल, ये भी एडजस्टेबल, पीछे भी ABS ड्यूअल चैनल ABS, आपको पता ही है सबसे पहले इसी ने चालू किया था। इसमें भी TVS के टायर्स, पीछे 130 सेक्शन के टायर्स आ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। 160 बाइक में अगर 130 मिल जा रहा है, 120 ही मिलना चाहिए वैसे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अलॉयज आते हैं वही एज यूजुअल जो बजाज पहले से अपना देता रहा है। मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि आपको ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन मिलेगा, पीछे का पूरा पार्ट इनका कवर है, जैसे कीचड़ वीचड़ ना आ जाए, किसी वायर्स वायर्स में ना लगे, बहुत सारा जैसे इसका ये होता है, इसमें तो नहीं है, पाची में क्या होता है, लोहा होता है, वो गलने लगता है, ठीक है। एक मड गार्ड जिससे आपको कीचड़ पीछे ना फेंके। LED में इसके टेल लैंप्स, ये दोनों हैलोजन में इंडिकेटर्स, टेल लाइट बहुत ही स्लीक और अच्छा सा प्यारा सा, जिसमें आपको साइड से मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं, इसी में आप नंबर प्लेट भी लगवा सकते हो। इस साइड भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ अगर, तो वही सेम चीज़ें हैं, इधर भी एडजस्टेबल फुट पैक्स,
और साइड स्टैंड प्लस में मेन स्टैंड, और ये फिफ्थ गियर के साथ ही आती है ये बाइक। इसका चेन देख लीजिए ओपन रखा, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक है। यहाँ पे ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है थोड़ा बहुत स्पेस, यहाँ भी स्पेस जो है वेंटिलेशन के लिए ही है। मतलब एक अच्छा तगड़ा अपीयरेंस प्रोवाइड करती है ये बाइक, और आजकल बड़ा ही चर्चित हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ इसका एक 250 भी आती है, 250, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, और यंगस्टर के दिलों पे बहुत ही जल्दी इस बाइक ने अपना एक जगह बनाया है, जो कि बाकी मुझे लगता है 220 के बाद किसी ने बनाया नहीं था। 220 ने जैसे आते थे एकदम मार्केट में हल्ला कर दिया था। और ये बाइक आपको मिलेगी कहाँ, तो अभी मैं हूँ मोहम्मदपुर में श्री मुंद्रिका बजाज में, तो यहाँ पे अवेलेबल है, आप आके टेस्ट राइड भी ले सकते हो, चला सकते हो, बाइक बुक कर सकते हो, जो चाहिए आपको मिल जाएगी। पल्सर यहाँ पर भी पल्सर लिखा हुआ सीट पे भी पीछे मस्त। और अब फाइनल अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो 164,279 में ये जो है बाइक ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। और आप ही बताओ यार, क्या तगड़ी बाइक है, मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि 160 सेगमेंट की बाइक है ये, क्योंकि इसका जो 250 आता है ना, तो मुझे तो भाई वही लगता है, बस थोड़े थोड़े ग्राफिक्स में जो है और कलर्स में स्कीम से आपको पता चलता है कि हाँ। सामने देख लो इसका एक बहुत ही अच्छा स्लीक सा रेडिएटर, कुछ खास बड़ा नहीं, सिंगल हॉर्न। प्राइसिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, ग्रिमिका का इसमें ये ब्रेक कैलिपर आता है, वाइब्रे का नहीं आता है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स। तो ये चीज़ें हैं, ये बाइक एक बहुत अच्छा खासा पैकेज निकल के आ जा रही है आजकल। इसके कॉम्पिटिटर्स में आपको बता दूँ, TVS 160 अपाची भी है, उसके बाद से इसकी खुद की एक NS 160 आती है, वो भी इसकी कॉम्पिटिटर में। मतलब सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मिला के एक बहुत अच्छा नेकेड बाइक बजाज ने तैयार किया है। आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे आइए श्री मुंद्रिका बजाज में, और एक बार टेस्ट राइड लीजिए। इसके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके लोग आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। मैं इसका डिटेल और इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय महाकाल।